अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आज आपसे मैं इस वीडियो में EMU सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जो दोस्तों जो एडमिशन होने वाले हैं इस बार उनकी क्या डिटेल्स दोस्तों हैं। बहुत सा मतलब लगभग सारे ही कोर्सेज में सीट्स आई हैं, तो ये बच्चों के लिए एक राहत भी है कि कुछ एडिशनल पैसे दे के उनको EMU में सीट मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, थोड़ी थोड़ी सीट दोस्तों बढ़ाई गई हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी सीट बढ़ाई नहीं गई है, मेल के लिए फीमेल के लिए बढ़ाई गई हैं। आगे बात करूंगा आपसे वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों जामिया में तो ये हम सब जानते हैं काफ़ी कुछ कोर्सेज वहाँ पर हैं जहाँ पर जो है सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में सीट्स मिलती हैं। EMU में इस साल दोस्तों ये आया है और कई सारे बच्चों के लिए बड़ी राहत की बात दोस्तों ये होने वाली है कि जो बच्चे वेटिंग में जिनका आता है उनमें से कुछ बच्चों को सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में सीट मिल जाएगी, फिर वेटिंग उसके बाद शुरू होगी। दोस्तों अब इसमें एडमिशन का सीन क्या रहेगा, क्योंकि अभी तो जो ये सीट्स आई हैं बाद में आई हैं, टेस्ट हो चुके थे, लेकिन इनमें जो एडमिशन के बारे में कुछ कुछ बात निकल के सामने आई है वो ये है जिनका वेटिंग में आया है उनको इसमें सीट ऑफर की जाएगी। अब यहाँ दोस्तों एक बात ये भी है कि मान लीजिए कि जो बच्चे रेगुलर बोर्ड में इनका एडमिशन हो चुका है उनको सीट दोस्तों जो है वो तो सीट उनको मिल गई। उसके बाद जो जैसे 20 सीट्स हैं किसी कोर्स के अंदर रेगुलर मोड में तो वो उनको सीट मिल गई। अब 10 सीट दोस्तों यहाँ बढ़ गए तो 10 जो पहले वेटिंग वाले दोस्तों बच्चे होंगे उनको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। अब यहाँ दोस्तों इस साल तो इसमें यही होने वाला है क्योंकि इस बार आपका जो है, अब मान लीजिए इसमें एक बात ये भी कि ऊपर से सीट खाली हो गई, मतलब जो रेगुलर मोड के थे उनमें सीट खाली हो गई, तो इन बच्चों को दोस्तों अपग्रेड किया जाएगा नहीं किया जाएगा रेगुलर मोड में अभी दोस्तों कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होगा। फिर बाद में जो और बच्चे वेटिंग में हैं उनमें से ऐसा मामला चलता रहेगा, तो यही मोड दोस्तों होने वाला है आपका एडमिशन का। दोस्तों अब बात करते हैं फीस। तो फीस यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, जो कुछ कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो न्यूज़ आई है, वो यहाँ पर फीस इसकी दोस्तों जो बताई गई है 20,000 रुपये से 50,000 रुपये पर सेमेस्टर तक दोस्तों फीस है, फीस जो है वो हो सकती है। तो जो BA के दोस्तों जो प्रोग्राम है वहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें जो फीस रहेगी वो 20,000 रुपये पर सेमेस्टर होगी, जो कि रेगुलर मोड के लगभग 2.5 गुना है, क्योंकि आपके रेगुलर मोड में फीस जो होती है अराउंड 9,000 मतलब 8,500-9,000 के अराउंड होती है। यहाँ दोस्तों 20,000 रुपीज़ है, उसके डबल दोस्तों फीस होने वाली है। सो BTech के जो फीस होने वाली है अभी ये पूरा क्लियर नहीं है, ध्यान रहे मतलब मेरी बात पूरा क्लियर नहीं है, ये रिपोर्ट एक न्यूज़ आई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। BTech में लगभग 35,000 से 40,000 फीस इसकी हो सकती है, जो कि काफ़ी कम है। प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 60,000-70,000 रुपये पर सेमेस्टर दोस्तों या 60,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस आपको पे करना पड़ती है और इतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको वहाँ पर मिल भी नहीं पाती है। अलग बात सीट्स काफ़ी कम है यहाँ पर, उसके हिसाब से फीस अराउंड 35,000 to 40,000 मतलब प्रपोज्ड है। सो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 50,000 तक दोस्तों फीस हो सकती है। ऐसी दोस्तों लॉ के अंदर भी अराउंड 45,000-40,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आई थिंक पे आपको करना पड़ सकता है। अब बार बार बोल रहा हूँ कि प्रपोज्ड है, अभी कोई भी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है, इस बात का खास ख्याल रखें लगभग। लेकिन ये जो ब्रैकेट है 20 से 50,000 के बीच में पर सेमेस्टर, ध्यान रहे ये पर सेमेस्टर वाला मामला है, साल का मामला नहीं है। और जो रेगुलर मोड में जो फीस होती है वो ईयरली फीस होती है, इस बात का ख्याल रखें आप। तो वहाँ लगभग 9,000 साल का, यहाँ लगभग 40,000 रुपये साल का, बल्कि मैं अभी गलत बोल रहा था, लगभग 4 times आपको फीस जो है ज़्यादा पे करनी होगी यहाँ दोस्तों अगर आपका सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में एडमिशन आपको मिलता है। तो अब देखते हैं क्या होता है लिस्ट में किस तरह से आती हैं, अभी कोई और अपडेट जो है इसमें नहीं आएगी, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक बात और भी अजीब है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर सिर्फ फीमेल के लिए सीट को बढ़ाया गया है, जैसे BCom है, BCom 20 सीट दोस्तों जो है फीमेल के लिए बढ़ाई गई, लेकिन मेल के लिए कोई भी सीट दोस्तों नहीं यहाँ पर मतलब बढ़ी है। उसके बाद दोस्तों आपका डिप्लोमा है दोस्तों, डिप्लोमा में भी मेल के लिए दोस्तों कोई भी सीट जो है नहीं बढ़ाई गई है और फीमेल के लिए 3-3, 2 सीट दोस्तों यहाँ बढ़ाई गई हैं। और जो आपका डिप्लोमा, ये तो खैर जो कोर्स मतलब जो मतलब फीमेल के लिए होते हैं वहाँ तो बात ही वहाँ तो फिर अलग बात है। तो ये 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं, बल्कि 5-6 2 ही कोर्स हैं, क्योंकि आपके डिप्लोमा सारे ब्रांचेज हैं तो उनके हिसाब से 2 ही कोर्सेज हैं यहाँ पर। मेल के लिए कोई भी सीट नहीं बढ़ी, फीमेल के लिए सीट दोस्तों बढ़ाई गई हैं। उसके अलावा सीट दोस्तों एक बात और भी है, BSc जियोलॉजी, इसमें दोस्तों मेल के लिए कोई सीट नहीं मतलब बढ़ी है और फीमेल के लिए 10 सीट बढ़ाई गई हैं। ऐसी दोस्तों यहाँ पर BSc आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दोस्तों मेल के लिए 5 सीट जो है वो मतलब बढ़ी है और फीमेल के लिए कोई सीट नहीं बढ़ाई गई है।
सो बाकी सारे में ही 5-5-10 सीट अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर मतलब बढ़ा दी गई है। इसमें एक कोर्स और है मतलब वुमेन वाला, वहाँ मेल के लिए कोई सीट नहीं बढ़ी है दोस्तों, फीमेल के लिए 5 बढ़ी हैं। इस्लामिक दोस्तों बीए इस्लामिक है, वहाँ दोस्तों मेल के लिए कोई सीट नहीं बढ़ी लेकिन फीमेल के लिए 5 सीट जो है वो बढ़ाई गई हैं। सो इसमें डिसेंट सीट दोस्तों इस बार मिलने वाली है बच्चों को इस साल, तो देखते हैं इसमें एडमिशन के प्रोसेस मैंने जो बताया उसी यही मतलब होने वाला है, कोई और इसके आगे कोई कोई तरीका नहीं है एडमिशन इसमें होने का। तो ये था एक अपडेट, इसके बाद जो अपडेट इसके बारे में आएगी उसके बारे में बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।